के तो तो अच्छा तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट आज हम अपनी गाड़ी पे कहीं पे जा रहे हैं एक ट्रिप पे शराब भी मेरे साथ वहां पे एक्सीडेंट हो गया वहां पे एक्सीडेंट हो चुका है गाड़ी का तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ सो यहाँ से ये गाड़ी नीचे गई है और काफ़ी बुरी तरह यहाँ से नीचे गिरी है काफ़ी तीन चार इसको यहाँ से पलटे लगे हैं नीचे तो इसके बीच में तीन लोग हैं अब देखते हैं तो लोगों को यहाँ से निकाल लिया था पहले ही उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले गए तो ठीक ही हैं वो इतने उनको लगी नहीं बट गाड़ी की क्या हालत हुई है आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी बुरी हालत हो चुकी है और यहाँ ऊपर से गाड़ी नीचे आई है इधर यहाँ पे हम वहाँ अपने घर खड़े थे ब्लॉक बना रहे थे तो अचानक से ये गाड़ी जो है यहाँ से नीचे आई है तो तो यहाँ से ये गाड़ी नीचे आई है और यहाँ पर आके रुकी है इस जो ये आपको पत्थर दिख रहे हैं या नाली भी है तो इसकी वजह से नहीं तो ये गाड़ी सीधा नीचे जाके गिरती गिरती तो यहाँ पर हम गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बेसिकली नाली में है तो कहीं बारिश की वजह से इसमें अंदर पानी चला जाएगा तो सारे लोग गठे हो गए यहाँ पर तो इस गाड़ी को हम यहाँ से ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई नहीं निकलेगी ऐसे नहीं निकलेगी रस्से के बिना नहीं निकलेगी रस्सा मंगाओ यार तू जा रस्सा लेके आ घर से दौड़ के जा जल्दी ला रस्सा और रस्से के बिना ये निकलेगी नहीं इसको खींचना पड़ेगा यार ऊपर फंसी हुई है नीचे गाड़ी चलो चलो बांध दो अब इसको अच्छी तरह बांधना नीचे हाँ नीचे से बांध दो इसको अच्छी तरह तो रस्सा भी आ चुका है यहाँ पर हमारा और एक रस्सा हम पीछे बांध लेते हैं पहले हाँ पीछे से अच्छी तरह से बांध ले भाई इसको नीचे शाकर के साथ हाँ हाँ चलो ठीक है अब खींच लेंगे यहाँ से ऊपर खींचते हैं चलो सारे खींच लेते हैं अब इसको तो आ रही है सीधी हो गई है गाड़ी ऊपर थोड़ा सा और लाएंगे इसको सीधा करेंगे अभी तो और खींचते हैं थोड़ा शोर लगाते हैं काफ़ी लोग आ गए थे इसी वजह से ये गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है हमने क्योंकि वहाँ पे ये इसमें पानी चला जाता तो अब तो ये देखिए गाड़ी की क्या हालत हो गई है यार बहुत बुरी कंडीशन हो गई है गाड़ी की तो हमने अब यह सीधी रख दी है यहाँ पर थोड़ा सा और इसको आगे करेंगे तो फिर ये जैसी भी की मदद से ही यहाँ से निकाली जाएगी यहाँ से तो ऊपर जाएगी नहीं तो भाई पत्थर के इस साइड कर दिए हमने गाड़ी यहाँ पर और अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे करेंगे पीछे से तो इसका टायर ऊपर ही है तो कोशिश करते हैं यहाँ से आगे लाने के लिए हो जाएगी हो जाएगी भाई हाँ अच्छा तो काफ़ी लोगों की मदद की वजह से यहाँ पे ये गाड़ी आगे निकल पाई है सब ने हेल्प की यहाँ पर तो जो गांव होता है यार वहाँ पे सब इकट्ठा हो जाते हैं तो सब एक दूसरे की मदद करते हैं तो ये अच्छी बात है करनी चाहिए यार सो so, इस पत्थर की वजह से आगे नहीं जा रही है गाड़ी तो पहले इस पत्थर को यहाँ से निकालते हैं फिर इसको आगे खींचते हैं क्योंकि आगे टायर फंस रहा है इसके साथ तो फिर इसको निकालते हैं आगे पीछे से धक्का भी देंगे तब भी नहीं आएगी क्योंकि बड़ा पत्थर आ गया तो इसको निकाल देंगे पहले बाहर तो अब ये पत्थर हमने निकाला है बाहर इसको और अब करेंगे ट्राई इसको आगे लाने की अब तो निकल जाएगी आगे तो अब जा रही है आगे इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे तो ये देख सकते हैं आप कोशिश कर रहे हैं सारे तो हो चुकी है आगे अब ठीक है अब यहीं पर इसको लगाएंगे तो यहाँ से फिर जैसे भी यहाँ से निकालेगी इस गाड़ी को थोड़ा साइड पे कर लेते हैं तो हमने हैंड ब्रेक इसकी लगा दी थी ताकि ये पीछे ना जाए और बोनेट भी खोल के चेक कर लेते हैं बोनेट खुल नहीं रहा है यार इतने इसको नीचे ज़ोर ज़ोर से पलटे लगे हैं पत्थरों के ऊपर तो बोनेट भी खुल नहीं रहा है तो खोल लिया हमने बोनेट तो बैटरी इसकी चेक करते हैं बैटरी में करंट है बट बैटरी पूरी तरह से इसकी डैमेज हो चुकी है पूरी फट चुकी है बैटरी बाकी इंजन का आप देख सकते हैं क्या हाल है और इसका रेडिएटर भी फट चुका है उसमें से कूलेंट सारा बाहर निकल गया तो अब करंट है इसकी बैटरी में तो फ्यूज़ निकालने पड़ेंगे कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए तो फ्यूज़ सारे बाहर निकाल लेते हैं इसके सो so गैज अभी यार हम घर पहुँचे वापस तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ गाड़ी कहाँ पर एक्सीडेंट हुई थी यहाँ से देख लो आप जो ये रोड आ रही है ना इस रोड से सीधा गाड़ी गई और, और यहाँ से ये यह, यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ से सीधा नीचे यार वहाँ पर आके पड़ी है तो आप देख लो यहाँ से अगर ये और नीचे जाती तो फिर और नुकसान होना था तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें तीन बंदे थे इस गाड़ी में तो फ़िलहाल वो ठीक है अल्लाह का शुक्र है माइनर्स उनको इंजरीज आई हैं कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ तो है तो वो बच गए हैं तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे क्योंकि आज फ्राइडे है तो इसी शायद उनको अल्लाह ने मौका दिया तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अल्लाह को हमेशा याद रखें और अच्छे अच्छे काम करें और जब भी आप ड्राइविंग करें तो आप बिल्कुल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें केयरफुली आप ड्राइविंग करें अच्छी तरह तो यार लाइफ जो है एक बार मिलती है इंसान को तो जब भी आपको कोई काम पड़े कुछ भी हो गाड़ी पहले साइड पे खड़ी कर लो उसके बाद अगर आपको फ़ोन पे बात करनी है तो करो तो यही था गाइस आज का कुछ दिन हमने कुछ और ही प्लान बनाया था बट अचानक से ये हो गया तो मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़